ukir petis. Nanti dia. Ayo, cok. Insyaallah. Solo dulu. 11 तो बच गया. अस्ते को लेके आ जाओ, फिर मैं किसी बोर्डर की कॉपी दिलवा दूंगा, वो फोटो कॉपी कर लेगा. हिस्ट्री थी कि जो चार बच्चों में से तीन बच्चों को तो मदर की जो कैनाइंस लगे तो उसके कारण डेथ हो गई थी, बॉडी में परफ्यूजन होने के कारण. एक बच्चा जो हमने रेस्क्यू किया था मदर से, उसको फर्स्ट डे से हम लोगों को लिए बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि इसको मदर मिल्क होना बहुत ज़रूरी था और मदर का एग्रेसिव नेचर होने के कारण इसके पास मदर के पास छोड़ नहीं सकते थे इसको. तो फिर हमने इसको आइसोलेट किया, वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए और वहाँ से फिर हमने इसके लिए कोलेस्ट्रॉल मिल्क की व्यवस्था करी, बकरी की व्यवस्था करी. फिर बकरी के जो मिल्क निकालते थे उसका कोलेस्ट्रॉल मिल्क हमने एक हफ्ते तक फीड किया. फिर बाद में हमने उसको बॉटलिंग से फीड कराना पड़ा क्योंकि मिल्क ख़त्म हो चुका था. तो जब बॉटलिंग की स्थिति आई तो कंटेमिनेशन किसी भी तरह का चेक करना बहुत ज़रूरी था. बॉटल के अंदर बॉटल को स्टरलाइज करना पड़ता है, स्टरलाइज बॉटल से हम लोग दूध पिलाना पड़ता था. तो कहीं ना कहीं ये मैंने ऑब्जर्वेशन में आया मेरे कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है इसको. तो फिर हमने एक बीज की व्यवस्था करी और बीज भी फॉर्चुनेटली ऐसी मिल गई कि उसने अभी रिसेंटली बर्थ दिया था. और जो लेब्राडोर की रिक्वायरमेंट थी वो लेब्राडोर, चूँकि लेब्राडोर का टेम्परामेंट बड़ा कूल होता है और ये बीच बड़ी डोसाइल होती है, लेब्राडोर स्पीसीज की जो रहती है, उसको हमने सेलेक्ट किया और लेके आए उसको हम लोगों ने. और एक ही बच्चा था, मिल्क भी उसमें काफ़ी अच्छा था. उसकी जो हम लोगों ने फीडिंग शेड्यूल उसका मेंटेन करके रखा है डॉग का, तो उससे भी उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा है. तो जो डॉग जो हमारे टाइगर की जो रिक्वायरमेंट वो भी पूरी हो रही है.